देखिए तो हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कग्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को ठीक है अब आप इसमें आइए कुछ नोट हम आपको लिखवा दें आपको आपको आज होमवर्क कुछ नहीं हम देंगे बिल्कुल आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा बट आज आपका बेसिक क्लास स्टार्ट हुआ है तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा जिस दिन आपके क्लास स्टार्ट होते हैं ज्योमेट्री का क्लास स्टार्ट होता है जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसको कॉपी में नोट करके रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो हम लोग आते हैं इन सब को हम कॉपी में नोट करके रखेंगे प्रॉपर कॉपी में नोट करके नोट कॉपी में रखेंगे ठीक है तो पहला नोट क्या है हमारा फर्स्ट कॉरस्पोंडिंग एंगल्स एक्सम कॉरिस्पोंडिंग एंगल एक्सम देखिए हमारा ये था फिगर ठीक है ये फिगर है और ये हमने लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सम क्या है

कोई उस उसपे प्रूफ की जरूरत ही नहीं है वो एकदम है मतलब है एक्सम हम लोग पढ़े हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ सन राइजेज इन द ईस्ट आज तक कोशिश भी नहीं किए जानने का कि सनराइजेज इन द ईस्ट होता ही है या नहीं होता है ये भी नहीं जानने का कोशिश किया क्यों होता है ये भी नहीं जानने का कोशिश किया बस ठीक है सनराइजेज इन द ईस्ट ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसी तरह से इसको एक्सम है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरा लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दो एक पेयर ऑफ दोल लाइन्स को अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कोरोस्पॉ एंगल्स इक्वल होंगे ही ठीक है मतलब टू इज इक्वल टू सिक्स इज इक्वल टू एट थ्री इज इक्वल टू सेवन बात समझ में आया क्लियर हुआ और उसी का जस्ट उल्टा इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स टू लाइन्स नॉट पैरल लाइन्स टू लाइन्स ओनली ध्यान दीजिएगा एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी सी डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल ठीक है मेकिंग अ पेयर ऑफ इक्वल कोरस्पॉ एंगल्स मान लिया जाए ये वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट अगर वन इज इक्वल टू एंगल फाइव है ठीक है तो इससे क्या मिला हमको कि एक लाइन का पेयर है एक पेयर ऑफ लाइंस है जिसका एक ट्रांसवर्सल है जिसमें the तो होंगे? होंगे. बात समझ में आया देखिए इसमें दो बातें आ गई एक कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम में था कि अगर दो पैरल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे और अगर दूसरी बात अगर एक पेयर ऑफ लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं द लाइन्स आर पैरल टू अदर दिस इज द कन्वर्स ठीक है समझ में आई होगी बात आप लोगों को तो चलिए ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे बेसिक पार्ट इसी को यूज करके बाकी सब हम लोगों को अभी पढ़ने का है तो हम लोग यूज करें और थ्योरम नंबर वन हम लोग पढ़ते हैं क्या है इफ इफर ट्रांसवर्सल टू इंटरसेक्टूर लाइन इच पेयर ऑफ ऑल्टर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ठीक है एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन को यानी ए बी सी आर द पेयर ऑफ पैरल और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज ई एफ ठीक है हमको प्रूफ करना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नेट इंटीरियर एंगल्स यानी थ्री फाइव टू एट आर इक्वल टू इच अदर ठीक है चलिए इसी को हमने लिख दिया है टू प्रूफ एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एट ठीक है अब प्रूफ में आइए प्रूफ में क्या है वी हैव एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन ये तो हम कर सकते हैं बड़े आराम से ये क्या है ई एफ और ए बी आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन हो गया समझ में आई बात तो थ्री इज इक्वल टू वन बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दूसरा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव इस पूरे फिगर में वन और फाइव क्या है वन एंड फाइव आर करस्पोंडिंग एंगल्स करस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं यह आपको अभी हम बताए हैं ठीक है तो वन इज इक्वल टू फाइव अब ध्यान दोगे यहां पे दो पार्ट मिला थ्री इज इक्वल टू वन आपस टू फाइव हो गया थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू फाइव थ्री इज इक्वल टू फाइव हमको मिल गया यही तो हमको निकालना था एंगल फाइव दल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टू ईच अदर समझ में आई बात उसी तरह से हम दूसरा पेयर में भी आते हैं अगेन सेकेंड पेयर में हम आते हैं अगेन एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है और एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट तो एंगल टू फोर एट ये तीनों आपस में इक्वल है हो गया टू इज इक्वल टू फोर एंड फोर इज इक्वल टू एट तो टू फोर एट आपस में इक्वल हो गया यानी टू इज इक्वल टू एट समझ में आई बात तो इस तरह से हमको मिला क्या ये दोनों पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर समझ में आई होगी बात होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा का पूरा अच्छे से तो इस तरह से हम लोग आते हैं सॉरी अब थ्योरम नंबर टू ये क्या है थ्योरम नंबर टू है कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर वन यानी उल्टा थ्योरम नंबर वन का उल्टा थ्योरम नंबर वन क्या है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पेयर पैरल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू इच अदर देखिए हम उस क्वेश्चन को देखेंगे भी नहीं थ्योरम को देखेंगे भी नहीं हम लोग खुद से ऐसे ही आप लोग को बता दें हैं तो उसमें क्या हो होने वाला है आप देखिएगा इसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है थ्योरम क्या था पहले कि ये दो पैरल लाइन दिए हुए हैं ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल हो गया ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो गया अब इसमें जस्ट उल्टा अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिया हुआ है तो ये लाइन पैरल है यही कुछ है ऐसा ही कुछ मिलेगा हमको देखिए जिसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेट किया और सच सच दैट ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल है थ्री टू फाइव एंड टू इज इक्वल टू एट

एफ से ये इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट ओ एंड पी रेस्पेक्टिवली ए बी पे ओ पे और सी डी पी पे ठीक है सच दैट थ्री फाइव थ्री फाइव टू एट आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वेयर थ्री इज इक्वल टू फाइव एंड टू इज इक्वल टू एट इतना दिया हुआ है गिवन है ठीक है हम लोगों को प्रूफ क्या करना है टू प्रूव ए बी इज पैरल टू सी डी ए बी इज पैरल टू सी डी ठीक है नाउ प्रूफ अब हमको प्रूफ क्या करना है प्रूफ में हम क्या करेंगे आप देखिए वी हैव हम लोगों के पास थ्री इज इक्वल टू वन होगा थ्री इज इक्वल टू एंगल वन थ्री वन के बराबर है क्यों वाई ए बी एंड ई एफ आर टू क्या मिला थ्री इज इक्वल टू वन एंड थ्री इज इक्वल टू फाइव चलिए तो वन इज इक्वल टू फाइव ऑल्सर हो जाएगा इज इट क्लियर तो वन अगर फाइव के बराबर हो गया तो यहां पे वन और फाइव का रिलेशन फिर से आप पीछे चले जाइए वन और फाइव का रिलेशन क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल होगा दैट द पेयर ऑफ गिवन लाइन्स आर पैरल टू ईच अदर दस अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वन एंड फाइव आर इक्वल देर फोर फाइव कॉरस्पोंडिंग एंगल्स एक्सम वी हैव ए बी इज पैरल टू सी डी इज ओके तो हम आपको बता दें ये हम लास्ट कर रहे हैं अभी और हम आपको बता दें आपको करना क्या है व टू मेक अ नोट ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट जो लास्ट हमने थ्योरम्स को सॉल्व किया है और ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पैरल लाइन्स जहां से स्टार्ट किए पैरल लाइन्स पूरा आइडेंटिफिकेशन देन द फर्स्ट एक्सम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सम इन दोनों को लिखेंगे थ्योरम वन देन थ्योरम टू इसको लिख के आप प्रॉपरली इस इन दोनों थियोरम्स को आप रिवाइज कर लोगे अच्छे से रिवाइज़ करोगे एक बार दो बार तीन बार आप बना के इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो यही आपका होमवर्क है इसको अच्छे से फेयर करो और इन दोनों थियोरम्स को अच्छे से दो बार तीन बार आप रिवाइज करेंगे थैंक यू